नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। अब तक तो आपको पता लग गया होगा बैकड्रॉप पे लगे हुए उस नक्शे को देखकर कि जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं जिले की ओर अग्रसर कोटपूतली, जो लगभग जिले की तहरीक पर जा पहुंचा है। आवश्यकता है केवल मात्र एक औपचारिक घोषणा की जाएगी। डेवलपमेंट के दौर में हर एक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित हो सके, इसके लिए इंदौरिया टाइम्स की ये मुहिम आप लोगों के बीच में जारी है। इसके अंतर्गत जहां एक और स्थानीय नगर परिषद आयुक्त फतेह सिंह मीणा के अनुसार कल 10 बजे से शाम 5 बजे तक नगर परिषद सभागार में नगर पालिका के पुराने भवन का ऑक्शन किया जाना अपेक्षित है, तो वहीं आज सुबह 10 बजे से 4:30 बजे तक उसके रजिस्ट्रेशन के लिए भी प्रक्रिया जारी है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी व्यक्ति इसमें भाग लेना चाहेगा, बोली लगाना चाहेगा, उसे 20,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन शुल्क अदा करने के साथ साथ आयुक्त नगर परिषद कोटपूतली के नाम 7,14,000 रुपए की राशि का एक डीडी उन्हें देना होगा, तब कहीं जाकर के वो इस ऑप्शन का पार्ट बन पाएगा। लेकिन एक और जहां नगर पालिका के पुराने भवन का ऑप्शन किया जा रहा है, जिसके तुरंत बाद शायद कुछ समय के अंतराल के बाद ही, संभवतः एक दो दिन में ही, जो चुंगी नाके हैं उनका भी ऑप्शन किया जाना अपेक्षित है। विकास के दौर में कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ छोटा गंवाना पड़े तो उसके लिए हमें तैयार रहना होता है। बावजूद उसके सही को सही और गलत को गलत कहने का मादा हर एक इंसान में होना चाहिए। यह कौरव और पांडव की वो सभा नहीं है जहां द्रौपदी का चीर हरण किया जाता है और वहां बड़े बड़े दिग्गज मौन रह करके उन सारी गतिविधियों को देखते रहने के लिए विवश माने जाते हैं। लेकिन पूरा शहर यदि इस पूरी चीज को एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से लेकर चल रहा है, वर्षों पुरानी मांग में यदि वो अपना सहयोग देना चाहता है, तो वहां व्यक्ति को कम से कम अपने विचारों को वहां खुलकर रखना चाहिए। आखिर कोटपूतली जिले की ओर अग्रसर है, जिले की दहलीज पर जा पहुंचा है, औपचारिक घोषणा भर बाकी है, उसे लेकर स्थानीय वरिष्ठ अधिवक्ता कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट बजरंगलाल शर्मा क्या कहना चाहते हैं, पूर्व चेयरमैन रहे प्रकाश सैनी क्या कहना चाहते हैं, स्थानीय संस्थाओं से जुड़े हुए लोग क्या चाहते हैं, एक आम व्यक्ति क्या चाहता है, यदि ऑक्शन किया जाना जरूरी भी है तो किस समय अवधि के अंतर्गत उन्हें शिवरेज जैसी सुविधाएं मिल जाने वाली हैं, सड़कों पे पड़ा हुआ मलबा हटने वाला है, बीच सड़क बनाए गए डिवाइडरों को हटाया जा सकता है, सड़क के नाम पर, रोड के नाम पर, मास्टर प्लान के नाम पर जो व्यवस्थाएं उन्हें 9 वर्ष से पहले बतौर तोहफे में दे दी गई है, कब उन्हें उससे निजात मिलने वाली है, स्कूल बसें जो महज समय पर इसलिए नहीं पहुंच पाती हैं जिन सड़कों से होकर उन्हें गुजरना होता है, वहां उन्हें उनके लिए टर्न करना आसान नहीं रह जाता है। इस बीच पीछे वाहनों की लंबी कतारों से आम जन को कितनी असुविधा होती है। बहरहाल जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि जिन जनता ने उन्हें चुना है, उन्हें यह अवसर दिया है, वो संभवतः उन तमाम चीजों का ख्याल रखें और जो भी प्रबुद्ध नागरिक, अधिवक्ता, प्रवक्ता, जो लोग आज इस मुहिम में शामिल हुए हैं, आप उन्हें न केवल सुनेंगे बल्कि उनके द्वारा कही गई बातों पर अमल करेंगे, अपनी भागीदारी को भी सुनिश्चित करना चाहिए। संकल्प विकास का जब साथ हो आपका। हाल नगर पालिका कोटपूतली क्रमोन्नत होकर नगर परिषद में कन्वर्ट जो हुई कि जिले की ओर अग्रसर हो चली है। बात यदि कोटपूतली जिले की जाए तो घोषणा भर मात्र बाकी है। बाकी क्या शिक्षा, क्या स्वास्थ्य, क्या संसाधन, क्या सड़क, हर एक चीज़ की व्यवस्था कोटपूतली में कुछ इस कदर है कि कलेक्टर एसपी को छोड़कर तमाम एडिशनल ऑफिसर्स के सहित यहां की आवाम पूरी तरह से जिले का स्वागत करने को तत्पर दिखाई दे रही है। बावजूद इसके डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा द्वारा लिखित तोरावाटी के इतिहास के संदर्भ में कोटपूतली नगरपालिका की स्थापना के बाद सर्वप्रथम 12 फरवरी 1946 पंडित हरदयाल शर्मा द्वारा नगरपालिका के प्रथम चेयरमैन के रूप में शपथ ग्रहण की गई। स्वतंत्रता के बाद 1951 में पहली बार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1951 लागू किया गया था और पूरे राज्य में स्थानीय शहरी प्रशासन में एकरूपता स्थापित की गई थी। तदोपरांत सन 1956 तक प्रथम पालिका अध्यक्ष के रूप में हनुमान शरण सैनी प्रथम चेयरमैन चुने गए। तदोपरांत कृष्ण चंद्र शर्मा, प्रभु शरण खजांची, रामेश्वर आर्य, नाथुराम के उपरांत 24 जून 1965 से 23 अगस्त 1966 कृष्ण चंद्र शर्मा, 24 अगस्त 1966 से 21 मार्च 1967 सुरेश चंद्र शर्मा, 13 नवंबर 1970 से 1971 गोदाराम मीणा, 4 जनवरी 1974 से 3 अक्टूबर 1977 मामराज शरण, 5 फरवरी 1982 से 5 फरवरी 1985 तक बुद्धाराम सैनी, 30 अगस्त 1990 से 14 नवंबर 1992 तक शंकरलाल सैनी, 15 नवंबर 1992 से 16 मार्च 1994
पिस्ता रानी बंसल, 17 मार्च 1994 से 28 अगस्त 1995 विनोदी शरण बंसल, 29 अगस्त 1995 से 23 नवंबर 1997 प्रकाशन सैनी, 25 नवंबर 1997 से 15 दिसंबर 1997 एडवोकेट रमेश अग्रवाल, 16 दिसंबर 1997 से 16 मई 1998 जिला कलेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर रहे, तो वहीं 17 मई 1998 से 30 मई 1998 एडवोकेट रमेश अग्रवाल पुणे नगरपालिका चेयरमैन के रूप में चुने गए। 1 जून 1998 से 21 अगस्त 2000 प्रकाशन सैनी, 22 मार्च 2000 से 7 मार्च 2003 श्रीमती सुशीला सैनी, 8 मार्च 2003 से 21 अगस्त 2005 श्रीमती कांता सैनी, 21 अगस्त 2005 से 20 अगस्त 2010 श्रीमती सुशीला सैनी, 21 अगस्त 2010 से 20 अगस्त 2015 श्रीमती कांता सैनी, 21 अगस्त 1915 से 20 अगस्त 2020 एडवोकेट महेंद्र सैनी के बाद 15 जनवरी 2021 श्रीमती पुष्पा सैनी द्वारा नगर पालिका चेयरमैन के रूप में शपथ ग्रहण कर आज नगर सभापति के रूप में मौजूदा हाल में नगर परिषद को अपना नेतृत्व प्रदान कर रही हैं। की बात की जाए तो प्रकाश चंद सैनी और श्री शंकरलाल सैनी के द्वारा 15-15 वर्ष का कार्यकाल इस नगर पालिका को दिया गया है, तो वहीं कुल मिलाकर के स्थानीय विधायक गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव का भी लगभग 15 वर्ष का कार्यकाल कोटपुतली क्षेत्र में पूर्ण होने जा रहा है। ऐसे में कोटपुतली नगर पालिका जहाँ नगर परिषद में क्रमोन्नत हुई, वहीं नगर परिषद को एक तरह से प्रमोशन के रूप में देखा जा रहा है कि कोटपुतली जिले की दहलीज तक जा पहुँचा है। देखना ये है कि जिला बनते बनते आखिर कोटपुतली की आवाम को स्थानीय विधायक गृह राज्य मंत्री कौन सी सुख सुविधाएं एवं संसाधन उपलब्ध करवा सकते हैं, जो कि एक ओर जहां नगर परिषद के द्वारा कल होने वाले पुराने नगर पालिका भवन की ऑक्शन प्रक्रिया के अंतर्गत आज रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्वीकार किए जा चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर देर से ही सही लेकिन स्थानीय नगर व्यापार महासंघ अध्यक्ष मैथिली शरण बंसल को देर से ही सही लेकिन स्वर्गीय डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा द्वारा लिखित त्वरावाटी के इतिहास के संदर्भ में इस बात का सहसा ध्यान हो उठता है कि शहर की पौराणिक एवं ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित रखा जाना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए नगर व्यापार महासंघ द्वारा स्थानीय उपखंड अधिकारी ऋषभ मंडल को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मंशा जाहिर की गई है कि कोटपुतली कस्बा राजस्थान व राष्ट्रीय राजधानी के मध्य घनी आबादी का शांत क्षेत्र है, जिसकी स्थापना 400 वर्ष पूर्व से अधिक समय हो गया है। आज़ादी से पूर्व के यहाँ ऐतिहासिक भवन में इमारतें मौजूद हैं जो पहले क्षेत्रीय ठिकाने रियासत के अधीन हुआ करती थी, जो कि आज नगर परिषद के अधीन हैं। इन ऐतिहासिक इमारतों में प्राचीन तालाब, हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, बावड़ी, पुराना अस्पताल, सरदार स्कूल, जनाना अस्पताल, पुराना नगर पालिका भवन व अन्य इमारतें व भवन शामिल हैं। ऐतिहासिक भवनों की सुरक्षा की दृष्टि से एवं उसके संरक्षण की दृष्टि से यह उम्मीद की जाती है कि स्थानीय प्रशासन द्वारा नगर परिषद द्वारा कल होने वाले ऑक्शन को अविलंब उसे रुकवाया जाना चाहिए ताकि क्षेत्र की भावनाओं को सुरक्षित रखा जा सके। इन तमाम ऐतिहासिक इमारतों से न केवल स्थानीय आवाम की भावनाएं जुड़ी हुई हैं बल्कि स्थानीय स्तर पर सुख सुविधाओं के संसाधन के रूप में इन इमारतों का अपना एक विशेष महत्व रहा है। देखना यह है कि स्थानीय उपखंड अधिकारी ऋषभ मंडल इस ज्ञापन को ध्यान में रखते हुए ऑक्शन प्रक्रिया में किसी तरह की कोई सुधारात्मक दृष्टिकोण को जोड़ पाते हैं या कि नगर परिषद द्वारा अपनाए गए इस रास्ते को बिना किसी रुकावट के कल ऑक्शन के रूप में देखा जा सकता है, जो कि नगर परिषद के सभागार में लगने वाली बोलियों के अंतर्गत कल इसका साफ साफ फैसला हो जाने वाला है। एक और जहां नगर व्यापार महासंघ अध्यक्ष मैथिली शरण बंसल के द्वारा ज्ञापन के जरिए अपनी भावनाओं को जाहिर करने का प्रयास किया गया है, तो आपको बता दें कि स्थानीय वरिष्ठ अधिवक्ता कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट बजरंगलाल शर्मा इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो पूर्व चेयरमैन प्रकाश सैनी क्या कहना चाहते हैं, और आखिरकार नगर परिषद आयुक्त फतेह सिंह मीणा का इस ऑक्शन प्रक्रिया को लेकर क्या कहना है। आप समय समय के ऊपर कोटपुतली की समस्याओं को बार बार उठाते रहे हैं और आज भी आपने जो इनवाइट मेरे से ले रहे हैं, एक पता नहीं क्यों किसी अज्ञात डर से या अज्ञात भय से आज पढ़े लिखे व्यक्ति भी हैं इस तरह की समस्याओं को उठा नहीं पा रहे हैं।
कोई डर रहा है किसी चीज़ से, कोई डर रहा है किसी प्रशासन से कि मेरा मकान टूट जाएगा, मेरी दुकान टूट जाएगी या मैं किसी केस में फंस जाऊँगा। पता नहीं क्यों नहीं वो आज सरकार के खिलाफ, जनप्रतिनिधि जो इस बात के लिए ठेका ले रखा है वो भी इस बात के लिए शांत रहते हैं, सिर्फ अपने वोटों की राजनीति करने के अलावा मैं समझता हूँ कोई काम नहीं करते। जनता को, आम जनता को नागरिक होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। यहाँ तक समस्या है कि ठेकेदार जब सड़क बनाता है और सड़क बनाकर जब वो गालमेल करता है तो हमारी ड्यूटी बनती है, मेरे मकान के सामने सड़क बन रही है मैं ये देखूं कि उसमें रोड़ी कितनी बार डाल रहा है, सीमेंट कितनी डाल रही है, ये सब होना चाहिए। नगर परिषद का ये हाल है कि नगर परिषद कहीं रोड पास कर रहा है तो वो इस बात का कहीं भी बोर्ड नहीं लगाते हैं कि इस सड़क के निर्माण के अंदर कितनी रोड़ी डलेगी, कितना इसका सीमेंट का परसेंटेज होगा, ये उस जहाँ सड़क बने ये बोर्ड लगाना चाहिए। और ये जनता जिसके घर के सामने या जिसकी दुकान के सामने रोड बन रहा है ये उसकी ड्यूटी होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए कि वो इस बात को चेक करे कि ठेकेदार क्या कोई नकली सीमेंट डाल रहा है या सही सीमेंट डाल रहा है, ये उसका पैमाना देखे तो वो इस बात पर। तो जनता पता नहीं उनका क्या होता है कि न तो इस बारे में कोई, अगर हमारा प्रशासन जो है वो तो शांत है ही, जिस ढंग से भ्रष्टाचार फैला हुआ है हर जगह, आज की स्थिति बड़ी बड़ी भयानक है, परंतु जो आम जनता है वो भी अपने अधिकारों के प्रति कतई जागरूक नहीं। मैं समझता हूँ कि आपकी आवाज़ इस कोटपुतली के प्रशासन लोग सुनेंगे और इस पर बहुत जल्दी कार्रवाई करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और जब आपकी आवाज़ उठती है, आज की तारीख में जब मीडिया की आवाज़ उठती है और आप जैसा जो आपका मीडिया है वो आवाज़ उठाता है तो निश्चित ही प्रशासन इस पर ध्यान देगा। पुतले का काफ़ी विस्तार हुआ है, चाहे वो एजुकेशन क्षेत्र में हो चाहे चिकित्सा में हो, और कोटपुतली शुरू से ही जयपुर दिल्ली के मध्य का सबसे बड़ा कस्बा है और कॉलोनियाँ भी काफ़ी विकसित हुई हैं, इसमें सभी का योगदान है और आवश्यकता के अनुसार यहाँ विकास कार्य चाहे भाजपा सरकार रही हो चाहे कांग्रेस रही हो, एक मूलभूत सुविधाएं अपने आप में बढ़ती रहती है, उसके हिसाब से विकास निरंतर जारी है। 14 तारीख को जो ऑक्शन होने जा रहा है पुराने नगरपालिका भवन को लेकर, इसकी क्या औपचारिकताएं हैं, क्या इसका फॉर्मेट है, कुछ जानकारी शेयर करें। देखिए, इसके लिए सबसे पहले जो भी बोली में भाग लेगा उसको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा 20,000 रुपये की एक रसीद कटवा करके, तो उसकी जो लास्ट डेट है वो कल दोपहर तक इसकी रसीदें कटेंगी। साथ ही एक आयुक्त नगर परिषद के नाम से है जो धरोहर राशि है उसका एक डीडी जमा करवाना होगा, वो 7 लाख या कुछ 2% जो भी है उसका 2% 7,14,000 के आसपास का है वो है जो, तो वो करवाने के बाद में जो भी इच्छुक हैं वो लोग हैं जो बोली में भाग ले सकते हैं। क्या टाइमिंग्स रहेंगी सर? टाइमिंग ऐसा है, कल शाम को 4 बजे तक रसीद और डीडी जमा कराने का टाइम रहेगा और परसों जो नीलामी का टाइम रहेगा वो 12 बजे से लेकर के 5 बजे तक रहेगा, वो ये नीलामी होगी नगर परिषद के सभागार में। तो क्या केवल मूल भवन को लेकर ही ऑक्शन होगा या नाकों पर भी कोई बात होगी? ऐसा है, यहाँ नगर पालिका परिषद बोर्ड ने फैसला लिया हुआ है कि भाई ये तो पुरानी नगर पालिका भवन प्लस दूसरे चुंगी नाका जो है उसका भी जल्दी है जो ये ऑक्शन होने के बाद में उसके भी नीलाम की जाएगी। दूसरा सर, ये पहला मौका है कि ऑक्शन की जाने वाली भूमि पे ऑक्शन ना करके बंद कमरे में सभागार में उस भूखंड का ऑक्शन किया जा रहा है। बेहतर होता उस जगह के ऊपर यदि ऑक्शन किया जाता तो खरीदार या बेचान करने वाले दोनों व्यक्तियों को सुविधा होती, उन्हें पता होता कि किस भूखंड पे किस स्थिति पे उसका कब्जा उसे लेना होता है। बहरहाल नगर परिषद आयुक्त ने बहुत सोच समझ कर स्थानीय सभापति की राय से या विधायक या गृह राज्य मंत्री की राय से जो कुछ भी तय किया है वो संभवतः आवाम के हित में होगा और जिले की ओर अग्रसर कोटपुतली अपनी नगर परिषद को एक तरह से विकसित नगर परिषद के रूप में जो देखने का सपना उन्होंने सजोया है वो उसमें कामयाब हो सकेंगे।